नहीं चाहता आज के टाइम में कि उसकी स्किन ग्लोइंग हो, ब्राइट हो और लाइट हो, इतनी स्मूथ हो, बिल्कुल पिंपल फ्री हो, स्पॉटलेस हो, एक्ने पिंपल कुछ भी ना हो। हर किसी की ख्वाहिश आज के टाइम में सिर्फ यही है कि हमारी स्किन और हमारे हेयर, हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल एकदम हेल्दी रहे, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए, चलिए, मैं आज आ गई हूँ आपके साथ वीडियो लेने, आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करने, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं अगर आप उन्हें यूज़ करोगे तो। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज फिर मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने आ गई हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है अगर आप उसे अप्लाई करेंगे, अगर आप उसे पूरी तरह से सारे वही प्रोडक्ट और बहुत सिंपल वे में, तो आज जो आपकी स्किन को बिल्कुल लाइट, ब्राइट एंड ग्लोइंग कर देगा, स्पॉटलेस कर देगा, अगर आप उसे यूज़ करेंगे पर्टिकुलर टाइम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यस, आज की जनरेशन में किसी के पास टाइम नहीं है। हर कोई यही कहता है कि हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को अच्छे से ग्लोइंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपको दिखा देती हूँ क्या क्या रेमेडी हमने यहाँ पे ली है। मैंने यहाँ पे लिया है आपका मिल्क लिया है, हमने यहाँ पे रोज वाटर लिया है एंड वो कॉफी पाउडर लिया है और आपका एलोवेरा जेल लिया है। मैंने ये सारे प्रोडक्ट लिए हैं वही जो हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप इन्हें डेली यूज करते हैं और मार्केट से कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करते, तो रियल में ही बहुत अच्छा रिजल्ट इन फ्यूचर आपको दिखाते हैं। आप कुछ टाइम बाद ही वीक टू वीकली या फिर 2 वीक्स में आप उसका रिजल्ट खुद अपने फेस पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी जैसे एक बेबी की होती है। खुद आप अप्लाई कीजिएगा तब उसका तब समझिएगा, हमारे कहने से मत मानिए, ठीक है? तो अगर आप अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ना। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आप जो आपका मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, आप पतंजलि का, मैं उसे, मेरे लिए बेस्ट है वो, इसलिए मैं उसे ही रखती हूँ अपने पास। तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले लेंगे, क्योंकि घर वाला ये होता है कि अगर आपका पेस्ट बच जाता है तो आप उसे रख नहीं सकते। अगर आप घर का वाला जो नेचुरल एलोवेरा होता है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो, अगर आप मार्केट का यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिले होते हैं जिनकी वजह से वो हम उसे रख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दिया यहाँ पर, तो वही हमें यहाँ पे करना है। हम एक बॉल ले लेंगे, एक बॉल में हम क्या करेंगे, एक बॉल में हम कॉफ़ी पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून के समथिंग। 1 टेबल स्पून हम उसमें कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। जितना हमें पेस्ट बनाना है सिर्फ उसी के लिए बनाइए। अगर आपको बाद के लिए भी बनाना है तो फिर आप बाद के लिए बना लीजिए, तो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 1 टेबल स्पून में कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून की समथिंग एलोवेरा जेल ऐड किया है। और इसी क्वांटिटी के अनुसार आप इसमें थोड़ा रोज वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें करेंगे आप ऐड आपका मिल्क। मिल्क भी आपको कम क्वांटिटी में ही ऐड करना है, जिससे कि वो एक थोड़ा थोड़ा आपको थिक भी नहीं रखना और थिन भी नहीं रखना, एक मीडियम क्वालिटी में आप उसका पेस्ट बना के जो रेडी करना है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो में इसी तरह से आपको ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको पेस्ट थोड़ा थिन लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा और कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं। बट मैंने इसी क्वांटिटी में, इसी कंसिस्टेंसी में ही मैं इसको रेडी करने वाली हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, इसको हम जैसे ही लगाएंगे और इस पेस्ट को हमें अच्छे से, जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपको अपनी स्किन पे लगा लेना है बहुत अच्छे से। उसे थोड़ी देर के लिए मसाज देनी है और फिर आपको इसे 1/2 घंटे के लिए रखना है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ब्राइट कर देती हैं। आपके स्किन पे जो भी डार्क लेयर उसकी होती है, जो आपकी डर्ट वगैरह जमी होती है, उसको बिल्कुल क्लियर कर देती है, स्पॉटलेस बनाती है आपकी स्किन को। जो आपका कॉफ़ी पाउडर है उसको आप जानते हो, तो आपकी स्किन में एकदम ब्राइट लेके आता है, ब्राइट, क्योंकि आजकल जो मार्केट से प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपका फेस वॉश हो, आपका कुछ भी है, उसमें ही कॉफ़ी पाउडर, आपका राइस फ्लावर, ये सब चीज़ें उसमें मिक्स आ रही हैं। तो फिर क्यों ना हम इनका बेनिफिट घर पे लें। अगर हमारे पास प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, सारे के सारी रेमेडीज जो इंग्रेडिएंट हैं हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, तो फिर हम उन्हीं का ही यूज़ करके बिल्कुल नेचुरल चीज़ें तैयार करें जो हमारी स्किन को लॉन्ग टर्म तक वो आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग बना के रखे, बिल्कुल अच्छा सा वाला ग्लो दे। क्योंकि बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनमें केमिकल्स से सफ़र करके आती हैं वो सब चीज़ें। आप ये मत सोचेगा कि हाँ, वो अगर उन पर ऑर्गेनिक लिख दिया तो वो ऑर्गेनिक हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता।
आप वो खुद देखिए उसमें उसमें कितना डिफरेंस है। हम अगर अपना कॉफी पाउडर हमने ले लिया है तो यहाँ पे मिल्क, मिल्क क्या काम करता है? मिल्क हमारे जो फेस पे हेयर, फेशियल हेयर होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। अगर आप कुछ नहीं लगा सकते, अगर आप खाली मिल्क अपने एक कच्चा दूध जो भी फ्रेश बिल्कुल दूध आता है आपके घर में, अगर आप उसे अपने फेस पे ऐसे ही कॉटन से लगा लेंगे और थोड़ी देर बाद उसको ऐसे जब वो सूख जाए तो आपको इस तरह से अपने फेस पे स्क्रब देना है, मसाज देनी है आपको मिल्क की। अगर आप खाली मिल्क भी लगाएं और उससे आपके फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो पुराने टाइम से ही मिल्क हमारा बहुत ऊपर क्वालिटी का, उसमें जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो चीज़ हमारी मिल्क है। जो राजा महाराजा होते थे वो नहाते भी मिल्क से थे, क्योंकि मिल्क एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुद्ध, एकदम ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई चाहता है कि हाँ बहुत अच्छे से काम करता है वो आपकी बॉडी पे। आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, आपकी बॉडी से डेड लेयर हटाता है, यानी कि बिल्कुल आपकी स्किन को ग्लोइंग कर देता है। जो आपकी डेड लेयर, ब्लैक हेड सब होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से रिमूव करने का काम करता है। और हमारा जो एलोवेरा जेल है उसे तो आप जानते ही, वो हमारी स्किन को अच्छे से रिपेयर करता है। जो हमारी स्किन में पुरानी बहुत टाइम से जो हमारी स्किन पे ब्लैक है एकदम वो हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हमारी स्किन को रिपेयर करता है और हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करता है। और जो हमारा गुलाब जल है उसे आप सब जानते हैं कि वो भी हमारे स्किन में हमारी हर चीज़ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। उसका क्या करता है ना, वो हमारी रोज वाटर होता है, वो हमारी स्किन को अच्छे से ग्लोइंग लेके आता है। हमारे हर प्रोडक्ट में अगर आप रात के टाइम या फिर अपनी कॉटन पैड्स को उसके अंदर रख दें, हमारे डार्क सर्कल में भी हेल्प बहुत हेल्प करता है हमारे डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए। अगर आप कॉटन पैड को गुलाब जल में डिप करके अपने फ्रिज में रख दो और उसे जब भी उसे आपको ज़रूरत पड़े तो अपनी 5-15 मिनट के लिए अपनी आंखों पे इस तरह से रख लीजिए और उसके बाद हटाइएगा। आप ऐसा दिन में 2 बार करें तो आपके ब्लैक हेड, जो आपके डार्क सर्कल होते हैं, अंडर आइज जो होती हैं, उनको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। आप खुद देख लीजिएगा, अगर आप इस तरह से करेंगे अपने उससे रोज वाटर से डेली, तो आपके जो डार्क सर्कल होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग ब्राइट बना देता है। तो ये सब चारों इंग्रेडिएंट हमारे उसमें बहुत हेल्प साबित होंगे इस पेस्ट में। जो भी इस फेस पैक को आप बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम आपकी स्किन पे करने वाला है। ये चारों इंग्रेडिएंट मिक्स होके बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अपनी स्किन पे मेकअप कम कीजिएगा। अगर बाहर जाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू पार्टी, जो भी सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग आप मेकअप कीजिएगा। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे फेस पे मैं सिर्फ 3 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, मैंने आपको बताया था। डेली में बाहर जाते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप होता है और वो भी आते ही रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि जो हमारी पूरे दिन की थकान, स्ट्रेस होती है वो सारी मेकअप में हो जाती है। चाहे आप कितना भी फिक्सर या फिर स्प्रे जो भी है यूज़ करें, लेकिन लास्ट में आके आपका मेकअप इधर से उधर हो ही जाता है। आप ये चीज़ें आप नोटिस कीजिएगा, कितने महंगे से महंगा आप मेकअप यूज़ कीजिएगा उसके बाद भी आप अपने फेस पे एट लास्ट टाइम मेरी स्किन पे मेकअप अवॉइड करती हूँ। मुझे मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लगता है लेकिन कभी कभी जब बाहर जैसे जाते हैं वैसे ही लोगों के साथ सामने दिखाना पड़ता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मेकअप किया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैं वही चीज़ें अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, यहाँ पे आईज़, काजल, लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस, ये सब मैं अपनी डेली उसमें यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो आपकी स्किन को बहुत नेचुरल, जैसे हम लोग घर पे इतना मेकअप की नीड नहीं होती, तो इसी तरह से मैं अपनी स्किन को बहुत रिलैक्स रखना अच्छा प्रेफर करती हूँ। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी स्किन को बहुत ही रिलैक्स रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट रेमेडी या फिर नेक्स्ट टिप्स के साथ। तो तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, और प्लीज़ भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये कर दीजिए आप। थोड़ा सपोर्ट मुझे भी दे दीजिए अपना। अगर आपको ये, अगर आप इस रेमेडी को पहले ऐप यूज़ कीजिएगा उसके बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही लाइक कर दें, कोई बात नहीं आप चले जाइए बाद में आ जाना। अगर आपको ये रेमेडी आपके लिए कम्फर्टेबल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए, ऐसे किसी की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं बाद।